गाइस, दिस इज राकेश गुप्ता और आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल राकेश फिटनेस टीवी पे। सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो मैं डाइटिशियन को लेके एनकाउंटर करना चाहूँगा, बिकॉज बहुत सारे डाइटिशियन आज की डेट में, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स से मैंने सुना है, दे सेड कि आप सिर्फ डाइट कीजिए एंड 45 मिनट्स वॉक कीजिए, आपका वेट कम हो जाएगा। एंड येस, ऑफकोर्स वो वेट लूज भी कर लेते हैं, लेकिन वेट लॉस एंड फैट लॉस में फर्क है, आपको समझना पड़ेगा वेट लॉस एंड फैट लॉस में क्या फर्क है। मैं आपको बताऊंगा, आप फिर उनसे क्वेश्चन कीजिएगा एंड वेट लॉस आप कर लेंगे, नो डाउट, बहुत इजी है। कार्डियो पे भागते रहो, 1.5 घंटा भागो, मील स्किप कर दो, भूखे रहो, स्टार्वेशन डाइट कर लो, कीटो डाइट कर लो, ऐसे वेट लॉस होगा। लेकिन क्या पता आपको, आप अपनी बॉडी का कंपोजिशन खराब कर रहे हैं, आपकी बॉडी का जो बैलेंस है, मसल एंड फैट परसेंटेज का जो बैलेंस है वो बिगड़ जाएगा, जिससे आपकी बॉडी का बीएमआर शट डाउन हो जाएगा, डाउन आ जाएगा। बीएमआर एक बार डाउन आ गया, आपकी बॉडी और ज्यादा खराब हो जाएगी, बॉडी और ज्यादा फैट परसेंटेज कैरी कर लेगी। आप पतले दिखोगे लेकिन आप कमजोर दिखोगे गाइस, आपका बॉडी का पोस्चर खराब हो जाएगा, आप हो सकता है हार्मोन इंबैलेंस भी हो जाए इससे, और ऐसा हुआ भी है काफी केसेस में, मैंने देखा है। एंड गाइस, करना क्या है, आपने सिर्फ जब भी जिम में एंटर करना है, सिर्फ अपने ट्रेनर को बोलना है मुझे फैट लॉस करना है, मुझे वेट लॉस नहीं करना। और फैट लॉस एंड वेट लॉस, इट्स टू डिफरेंट थिंग्स। एंड सेकेंड थिंग, आपको क्या करना है, आपको मसल बिल्डिंग पे फोकस करना है, आपको हेवी वेट लिफ्ट ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग पे फोकस करना है। यस, बहुत सारे क्वेश्चन आते होंगे आपके माइंड में जब मैं वेट ट्रेनिंग को लेके ज्यादा प्रेफरेंस देता हूँ। गाइस, होता क्या है, हमारी मसल में माइटोकॉन्ड्रिया नाम का एक सेल होता है, माइटोकॉन्ड्रिया सेल होता है हमारी मसल्स में, जो उसका काम है फैटी एसिड से उसको फैटी एसिड को एनर्जी में कन्वर्ट करना। सो उसका काम है वो जलते रहता है, एंड जितना ज्यादा मसल मास होगा उतना ही ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा, एंड जितना ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया होगा उतना ही ज्यादा बेसिक मेटाबॉलिक रेट होगा, एंड जितना ज्यादा आपका बेसिक मेटाबॉलिक रेट होगा आपको खाने को उतना ज्यादा मिलेगा। कैन यू इमेजिन, मैं 3500 कैलोरीज पर डे कंज्यूम करता हूं, इसके बीच में मैं कुछ भी कुछ चीट मील भी कर लेता हूं तो मेरी बॉडी को इतना फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं कि आप वेट लॉस ना करके फैट लॉस पे ध्यान दीजिए और मसल बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, मसल्स को अपना फ्रेंड बनाइए। अब अगर मैं मसल्स की बात करता हूं तो फीमेल्स कहती है हमारे तो मसल बन जाएंगे, हम हैवी वेट लिफ्ट करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फीमेल्स के केस में क्या होता है कि उनकी बॉडी में एस्ट्रोजन हॉर्मोन्स होता है जो कि मसल्स को गेन नहीं होने देता, ग्रो नहीं होने देता, लेकिन वो टोन्ड रहता है, शेप में रहता है, वो बीएमआर इंक्रीज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया बढ़ाता है। एंड फीमेल में स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कम होती है, तो आपको अपनी स्ट्रेंथ हमेशा बढ़ानी चाहिए, जिससे आपके ज्वाइंट स्ट्रांग होंगे, आपकी बॉडी की शेप आएगी, एक जो परफेक्ट फेमिना फिगर होती है वो आपको वेट ट्रेनिंग से ही मिलेगी। अदरवाइज कार्डियो कर करके आप खिस जाओगे, कार्डियो करके आप पतले हो जाओगे, यू लुक वीक, आप वीक दिखोगे। देखिए, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल्स है, वेट लॉस करने के मैंने दो तरीके देखे हैं जो कि बहुत ही गलत है। कुछ लोग बहुत ज्यादा कार्डियो पे फोकस करते हैं, भागते रहते हैं 1.5 2 2 घंटा, जिसे स्टेडी स्टेडी कार्डियो कहते हैं, एंड कुछ लोग स्लिमिंग सेंटर्स में जाके वेट लॉस करते हैं, लो कैलोरी डाइट पे रहते हैं। लेकिन उस केस में क्या होता है कि उस केस में उनको और ज्यादा हार्मफुल होता है, बिकॉज वो लो प्रोटीन डाइट पे रहते हैं, प्रोटीन उनको प्रॉपर मिलता नहीं है, बिकॉज उनकी कैलोरीज ही मुश्किल से 1000 1200 की कैलोरीज होती है, तो वो हाई प्रोटीन डाइट कहाँ से कैरी करेंगे। जितना उनका बॉडी वेट है, लीन मास है, उसके अकॉर्डिंग उनको मिलता नहीं है प्रोटीन। एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए उनको ये कहा जाता है, कह के डरा दिया जाता है कि आपको करना नहीं है स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपको आपको सिर्फ वॉक करना है। ऑफ कोर्स वेट लूज बहुत अच्छा हो जाता है,
लेकिन वो फैट लॉस नहीं होता, आपकी बॉडी कंपोजिशन खराब हो जाती है, आपका जो बॉडी का बैलेंस है लीन मास का और फैट परसेंटेज का वो खराब हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आप वेट लॉस करके आप सोचेंगे कि चलो मुझे वेकेशन पे जाना चाहिए, मुझे अच्छे कपड़े डालने चाहिए, आप वेकेशन पे जाते हैं या आप नॉर्मल डाइट पे स्विच करते हैं अपने आप को, या किसी पार्टी में कुछ खाते हैं, अगले ही दिन बाउंस बैक, 2 किलो शूट अप, और 1 महीना का गैप दे दिया, वर्कआउट नहीं हुआ, डबल स्पीड से बैंक करता है वो वेट, बिकॉज आपका ऑलरेडी BMR खराब हो चुका है, डाउन हो चुका है, आपने अपने मसल्स लूज कर लिए हैं बहुत ज्यादा भाग भाग के कार्डियो पे, कार्डियो कर करके, और उसके बाद डाइट में लो न्यूट्रिशन डाइट जिसमें बहुत ही लो प्रोटीन डाइट हो वो करके, एंड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो ऐसे ही होगा, आपकी बॉडी ऐसे ही लूज होती रहती रहेगी, कोई आर्म से लूज है, कोई शोल्डर से लूज है, लटकी लटकी बॉडी रहेगी। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस कीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत अच्छी ट्रेनिंग है, इतने बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, आपके ज्वाइंट भी जो स्ट्रांग होंगे, आप एंटी एजिंग वर्क करता है सबसे बेस्ट, मतलब कि जो मुझे अच्छी चीज लगती है, आपकी एज को कम दिखाता है, बिकॉज आपकी बॉडी का पोस्चर इतना बिल्कुल अच्छा हो जाता है ना, यू यू फील लुक लाइक ए डमी, जैसे आपने देखा है ना शोरूम्स के बाहर बहुत अच्छे अच्छे डमीज खड़ी होती हैं, मेन्स एंड वुमेन्स, कितने अच्छे लगते हैं उनपे कपड़े, पता चलता है कि कोई टोन बॉडी खड़ी हुई है, तो उसी टाइप्स की आपकी बॉडी होगी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन लेने से। कीटो डाइट, स्टारवेशन डाइट, वाटर डाइट, ये सारी जितनी भी आप डाइट करेंगे वेट लॉस कर लेंगे, लेकिन साथ में मसल लॉस भी कर लेंगे, फैट लॉस बहुत कम होगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, बिकॉज बॉडी कॉम्पोजिशन जो है वो बहुत जरूरी है आपको चेक करवाना। सो गाइज, ये था मेरा टॉपिक आज का, मैंने इस टॉपिक का नाम ट्रेनर वर्सेस डाइटिशियन इसलिए रखा बिकॉज मैं ऐसी बातें सुन रहा हूं बहुत जगह से, एंड वैसे अदरवाइज मैंने इस टॉपिक का नाम रखना था फैट लॉस वर्सेस वेट लॉस। सो गाइज, इसके बारे में अगर आपको कोई क्वेरीज हो, कोई आपको कुछ पूछना हो, आप मुझे कॉल कर सकते हैं इवनिंग 7 to 8, एंड रिमेंबर प्लीज मेरा बेल आइकॉन क्या कहते हैं, स्टे ट्यून्ड नहीं, और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए मेरी वीडियो। ओके गाइस, स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाऊं आपको मिलता रहे, आपको पूरी नॉलेज मिले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।